हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्रैवलर यूके 13 में। मैं हूँ अभी गोपेश्वर में और आज आपको लेके चलूँगा गोपीनाथ मंदिर। आपको बता दूँ, गोपीनाथ मंदिर शिव को डेडिकेटेड मंदिर है जो कि बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर है। तो अब आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। अभी हूँ मैं गोपेश्वर मार्केट में और यहाँ से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। देख सकते हो आप यहाँ का मार्केट, काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर मार्केट है। तो अभी लगभग सुबह के 8:30 बजे हैं। यह यहाँ का बस स्टैंड और ये जो रोड आप सामने जाती हुई देख रहे हो, ये जाती है गोपीनाथ मंदिर के लिए। दोस्तों यही है गोपेश्वर का मेन मार्केट और अभी सुबह का टाइम है तो अभी दुकानें भी खुली रही हैं। आपको बता दूँ, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर मार्केट के बीचों बीच में स्थित है कि चमोली जिले में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही गोपीनाथ मंदिर है और अब पहुँच गए हम एंट्रेंस पर और ये आप मंदिर के बारे में पढ़ सकते हो। आपको बता दूँ, गोपीनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच में हो रखा है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। दोस्तों ये देख सकते हो आप गोपेश्वर का सुंदर नज़ारा और अब हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास और अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं गोपीनाथ जी के। दोस्तों आपको बता दूं, गोपीनाथ मंदिर को रुद्रेश्वर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रुद्रनाथ जो शीतकालीन जो गद्दी है उसकी पूजा शीतकाल में यहीं की जाती है। दोस्तों आप जो ये त्रिशूल देख पा रहे हो, ये काफ़ी प्राचीन त्रिशूल है। इस पर 4 अभिलेख भी प्रकरणित हैं। इस त्रिशूल के बारे में एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव द्वारा कामदेव को मारने के लिए त्रिशूल फेंका गया था और तब से ये त्रिशूल यहीं पर स्थापित हो रखा है। दोस्तों आप मंदिर प्रांगण में ये बहुत सारी मूर्तियां देख सकते हो जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे। देख सकते हो आप कितनी ये सुंदर मूर्तियां हैं और ये काफ़ी पहले से यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और ये देख सकते हो आप, ये मंदिर प्रांगण का पिछला हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के पिछले हिस्से में। बहुत ही विशाल ये मंदिर है और आपको बता दूं, ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर के बारे में बताया जाता है, राजा सगर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देख सकते हो आप कितना सुंदर है। देख सकते हो आप एक अभिलेख यहाँ पर लिखा हुआ है और मंदिर प्रांगण में कई अन्य मंदिर भी हैं, ये मंदिर उनमें से ही एक है। और अभी हूँ मैं मंदिर के बिल्कुल सामने पर और अब आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर के। तो दोस्तों फोटोग्राफी के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पर। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।